आज हम बनाएंगे एकदम परफेक्ट दानेदार, बिल्कुल हलवाई की तरह ही बेसन और कोकोनट के लड्डू। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। एक इच्छा से कुछ नहीं बदलता, एक निर्णय से थोड़ा कुछ बदलता है, लेकिन एक निश्चय सब कुछ बदल देता है। हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल दिल से दुबई नवनीत। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम बनाएंगे सबके फेवरेट लड्डू, वो भी बेसन और कोकोनट के, एकदम दानेदार, बिल्कुल हलवाई स्टाइल में। तो चलिए चलते हैं हमारे किचन में और बनाते हैं एकदम सॉफ्ट और दानेदार बेसन और कोकोनट के लड्डू। हम 100% परफेक्ट हलवाई स्टाइल दानेदार लड्डू बना रहे हैं, तो उसके लिए हम सबसे पहले एक पैन में डालेंगे 1 कप शक्कर और 1/3 कप इसमें हम पानी का ऐड कर देंगे। हलवाई ना तो लड्डुओं में चाशनी का इस्तेमाल करते हैं और ना ही शक्कर का, वो करते हैं तगार का इस्तेमाल। तो सबसे पहले हम तगार या बुरादा भी जिसे बोलते हैं वो बनाएंगे। चाशनी में बॉयल आ गया है, हमें इसे बहुत ज्यादा नहीं पकाना है, बस 2 मिनट के लिए ही हम इसे और पकाएंगे। शुगर मेल्ट होने के बाद भी 2 मिनट के लिए हमने इसे और पका लिया है। फ्लेम को हमने ऑफ कर देना है और लगातार कड़छी को चलाते रहना है, हमें इसे अगेन क्रिस्टलाइज करना है। अभी हमें 3 ही मिनट हुए हैं गैस से उतारे हुए, आप देखिए शुगर क्रिस्टलाइज होना स्टार्ट हो गई है। तगार को बनाने के लिए आपको हाथ काफी तेज चलाना है, जैसे सूजी होती है दानेदार, अब ये बिल्कुल उस तेज में आ गई है। आप देखिए कितनी बढ़िया, बिल्कुल दानेदार तगार बनकर तैयार हुई है। अब ये एकदम ठंडी हो गई है, हम अपना आगे का काम कर लेते हैं। अब हम एक पैन में डालेंगे 1/2 कप घी, देसी घी है ये, इसमें हम ऐड करेंगे 1.5 कप बेसन। बेसन को हम अच्छे से भून लेते हैं जब तक कि बेसन का कलर हल्का सा ब्राउनिश नहीं हो जाता और इसमें से एक बढ़िया खुशबू नहीं आना स्टार्ट हो जाती। स्टार्टिंग में ये थोड़ा ऐसे थिक हो जाएगा, लेकिन जैसे जैसे बेसन भूनना स्टार्ट होगा ये थोड़ा सा पतला होता जाएगा। आपने फ्लेम को मीडियम टू लो ही रखना है और कड़छी को लगातार चलाते रहना है। जैसे जैसे बेसन भुन रहा है, आप देखिए ये पहले से कितना पतला होता जा रहा है। लगातार 8 मिनट तक हमने इसे भून लिया है, फ्लेम मैंने लो ही रखी है और एक बहुत ही बढ़िया बीनी बीनी सी खुशबू आना स्टार्ट हो गई है बेसन से। कलर भी इसका पहले से डार्क हो गया है, आप देखिए कितना बढ़िया बेसन भुन रहा है और घी भी रिलीज हो गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 कप कोकोनट का बुरादा या पाउडर, इसे भी हम साथ ही भून लेते हैं। अगर आप ड्राई फ्रूट्स ऐड करना चाहते हो तो आप उन्हें भी इसी स्टेज पे ऐड कर सकते हो। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून इलायची पाउडर, इसे भी हम 1 मिनट के लिए इसके साथ ही और भून लेते हैं। बेसन और कोकोनट एकदम बढ़िया भुनकर तैयार हो गया है, फ्लेम को हम ऑफ कर देते हैं और इसे हल्का सा ठंडा होने देते हैं, लेकिन आपने कड़छी को अभी भी चलाते रहना है, नहीं तो इसके तले के साथ लगने के चांसेस बढ़ जाएंगे। पहले से ये हल्का सा ठंडा हो गया है,
अब हम इसमें ऐड कर देते हैं तगार। इसे हमने जल्दी से इसमें मिक्स कर लेना है। मैंने एक कप तगार का इस्तेमाल किया है। आप देखिए जी कितनी जल्दी अभी गाढ़ा हो गया है हमारा मिक्सचर। मिक्सचर को अच्छे से मिक्स कर लिया है हमने और ये टच करने के लायक हो गया है। हम इसे टच कर सकते हैं। अब हम अपने पसंद के साइज के हिसाब से इसके लड्डू बना लेते हैं। लड्डू आपको पता ही है कि हम ऐसे हाथों में घुमा घुमा कर बनाएंगे। एकदम बढ़िया, 100% परफेक्ट, दानेदार हलवाई जैसे लड्डू बनकर हो गए हैं तैयार। देखने में जितने बढ़िया और अमेजिंग लग रहे हैं ये लड्डू, खाने में है उससे भी कहीं गुना लाजवाब टेस्टी और है भी 100% परफेक्ट, दानेदार बिल्कुल हलवाई की तरह ही। और बन भी जे झटपट गए हैं। आप भी करिए इस आसान और झटपट रेसिपी को ट्राई एंड प्लीज सब्सक्राइब शेयर एंड लाइक माय चैनल दिल से दुबई नवनीत। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।